नेपाल का अति मनोहारी सुंदर शहर नेपालगंज के प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय दुर्गा दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1967 में नेपाल के बागलुंग शहर में हुआ। जन्मतः आपको खेलकूद और समाज सेवा में बेहद रुचि थी। गंभीरता, मिलनसार स्वभाव, दृढ़ इच्छा शक्ति और परोपकारी भावना आदि गुणों से आप भरपूर हैं। लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए आपको यह ईश्वरीय ज्ञान सन 1978 में बुटवल सेवा केंद्र पर प्राप्त हुआ। दुर्गुणों को दूर करने वाली देवी दुर्गा बनकर अपने जीवन लक्ष्य को पहचानते हुए आपने भी अपना जीवन इस ईश्वरीय राह पर समर्पित कर दिया। सन 1984 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू पांडव भवन में अव्यक्त बाप दादा से आप मिले। परमपिता परमात्मा की श्रीमत प्रमाण आपने सन 1983 से भैरवा, पोखरा, पालपा, बुटवल आदि सेवा स्थानों पर ईश्वरीय सेवा देते हुए 1992 से नेपालगंज की सेवाओं को आगे बढ़ा रही हैं। मानवीय मूल्यों के उत्थान में विशेष सहयोगी बनकर आपने विभिन्न कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तनाव मुक्ति शिविर, स्वास्थ्य जागृति अभियान व अनेक रथ यात्राओं का आयोजन किया। वर्तमान समय 25 सेवा केंद्रों, 28 गीता पाठशालाओं में 70 से भी अधिक शिव शक्ति टीचर बहनों के नेतृत्व में 9000 से भी अधिक विद्यार्थी आपकी पवित्र पालना में ईश्वरीय ज्ञान का अनुसरण करते हैं। लौकिक में भक्ति पूजा पाठ माता पिता घर में करते थे। भक्ति भाव का परिवार था। यज्ञ जप तप आदि करना सब कुछ करते थे। परंतु मेरा बचपन से ही, जब से मैं बड़ी हो गई, समझने लायक हो गई थी, तब से लेकर के मेरे मन में एक प्रश्न उठता था कि ये पूजा पाठ जो करते हैं, क्या इससे जीवन में संपूर्ण संतुष्टि मिलेगी कि सच्चाई कुछ और है। मैं सत्य की खोज में थी। उससे मेरे को दूसरों का करते हुए देख करके संतुष्टि मन में नहीं होती थी, इसलिए मैंने इसकी तरफ बचपन से ही आकर्षण नहीं हुआ। मैं सत्य की खोज में थी, सच्चाई कुछ और है, ये मेरे मन में लग रहा था। तो बड़ी होती गई, मैं बागलुंग जिला से हमारे परिवार का स्थानांतरण हुआ। वहाँ से हम लोग बुटवल में आ गए। जैसे ही हम 1978 में बुटवल में आए थे, वहाँ आते ही हमारे दो भाई बुटवल में जॉब करते थे। और उस समय हमारे बड़े भाई ने मेरे को कहा कि आप एक अनोखा जगह पर मैं आपको ले जाऊंगा, क्या आप जाना चाहती हो? तो मैंने कहा हाँ, हमको भी लेके चलिए, मैं जाना चाहती हूँ। तो मैं वहाँ पर गई पहली बार। वहाँ सेवा केंद्र नहीं था, गीता पाठशाला चल रही थी। एक तुलसा माता और गजेंद्र लामा भाई दोनों युगल गोरखपुर से उनको ज्ञान मिला था। वहाँ बुटवल में आकर के उन्होंने अपने क्वार्टर में गीता पाठशाला संचालन किया था। उनके क्वार्टर में मैं पहली बार वहाँ प्रवेश की थी। वहाँ पहुँचते ही पहली झलक में, योग का समय था, शाम का समय, नुमा शाम का समय, सभी योग में बैठे हुए थे। मैं तो पहली बार वहाँ पहुँची थी, एक तो मैं छोटी आयु की थी। और उस समय अंदर घुसते ही, जैसे ही मैं योग में बैठ गई, सभी का देखते हुए, जैसे वो लोग बैठे थे उस तरह से मैं भी वहाँ बैठ गई। तो बैठे बैठे ठीक 10 मिनट के बाद मेरे को शिव बाबा की शिवलिंग से एक दिव्य लाइट उतरते हुए
चारों तरफ चक्कर लगाता रहा और वो दिव्य लाइट आकर के मेरे सामने इर्द गिर्द घूमती हुई मैंने देखा तो मेरे मन में लगा कि ये कितनी दिव्यता है और कितनी आकर्षण है। वो चुंबकीय आकर्षण का मेरे को महसूस हुआ कि मैं जिस सत्य की खोज में थी, सत्यता कुछ और है। वो मेरे मन में जो बचपन से था वो मैंने उसी घड़ी, उसी पल, उसी क्षण मेरे को अंतर मन में संतुष्टि और शांति की अनुभूति हुई। और थोड़े समय के बाद, आधा घंटे के बाद वहाँ योग समाप्त हो गया और मेरा आँख से आंसू बरसता ही रहा था। उसके बाद थोड़ा शर्म भी आया मेरे को क्योंकि ये क्यों रो रही है, शायद लोग पूछेंगे। तो मैंने थोड़े देर में पूछ लिया और वहाँ से उठ करके मैं चली गई भैया के साथ में। फिर मेरे मन में लगा कि वो वैसा ही वहाँ हमेशा दिखाई पड़ता है या मेरे लिए वो दिव्य साक्षात्कार का रूप था। तो मेरे मन में लगा कि दूसरे दिन भी मैं चली जाऊँ। तो मैंने भैया से कहा कि क्या मैं कल भी वहाँ जा सकती हूँ। तो भैया ने कहा हाँ, मैं आपको कल भी ले जाऊँगा। तो कल भी उसी योग के टाइम में, सुबह तो मेरे को नहीं ले गए, शाम के टाइम में फिर मेरे को उसी टाइम में भैया लेके गए। दूसरे दिन भी मेरे को वही साक्षात्कार हुआ जो मैंने पहले दिन देखा था। ये 3 दिन तक मेरे को दिखाई पड़ा। उसके बाद मैं फिर सुबह क्लास चलती थी बाबा की मुरली क्लास में जाने लगी। और हमेशा मेरे मन में ये रहा कि वो दिव्य रूप को मैं हमेशा देखती रहूं, लेकिन आज तक मेरे को नहीं दिखाई दिया। मन में हमेशा ये लगा रहता कि जो मैंने मेरे को पाना था मैंने वो पा लिया, जिसको मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया। और ये मन में हमेशा गीत गाता रहता है, खुशी में प्रफुल्लित होती हूँ। और तब से लेकर के बाबा ने मुझे अपना बच्चा बनाया। छोटी थी इसलिए कोर्स तो मुझे कराने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं दिल से कहती हूँ कि बाबा ने मुझे डायरेक्ट अपना बनाया है। उसी पल, उसी क्षण बाबा ने जो रूप दिखाया था उसी में ही मैं हमेशा लगन के साथ आगे बढ़ती रही। उसके बाद फिर जब मैं स्कूल एजुकेशन कर रही थी तो बनारस से हमारे गुप्ता भाई साहब बुटवल में आए थे। जैसे ही भाई साहब ने मेरे को देखा तो गुप्ता भाई साहब ने कहा कि क्या आप भी ये दीदी जैसा बनना चाहती हो? तो मैं उस समय हिंदी नहीं जानती थी, समझ नहीं पाती थी। तो पनीता दीदी ने उस समय नेपाली में उसको बताया कि आप क्या ऐसा बनना चाहती हो, भाई साहब आपको पूछ रहे हैं। तो मैंने सर हिलाया कि हाँ, मैं भी ऐसा बनना चाहती हूँ। तो भाई साहब उस समय मेरे को बहुत प्यार, स्नेह, और दीदी, बड़ी दीदी बनारस से आई थी और पनीता दीदी, गुप्ता भाई साहब, तीनों को मैंने देखा। पहली बार मेरे लिए आप ही आध्यात्मिक मार्ग के मार्गदर्शन रहे और आपके द्वारा हमें बहुत पालना मिली। हमारे जीवन में लव और लॉ का बैलेंस जो रखना है, गुप्ता भाई साहब से मैंने सीखा। उन्होंने मर्यादा, सिस्टम, नियम पर चलने का जो हमें मार्गदर्शन किया, गुप्ता भाई साहब मर्यादा में बहुत स्ट्रांग थे, वो भाई साहब में मैंने देखा। और दूर होते भी, बनारस में रहते थे गुप्ता भाई साहब, और दूर होते भी हमें बहुत नज़दीक की दिखाई पड़ते थे क्योंकि वो मर्यादा नियम में बहुत स्ट्रांग भी थे और दूर होते भी उनमें
कैचिंग पावर बहुत थी। हम लोग जो जैसे चल रहे थे, थोड़ी सी भूल भी हम करते थे छोटी छोटी बातों में, वो तुरंत वहां से फोन आता था, क्या आप लोग ठीक ठाक चल रहे हो। बहुत दूरादेशी थे। और भाई साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा यज्ञ में, और बहनों को आगे बढ़ाती रहे। मैं छोटी थी, छोटी उम्र से ही भाई साहब ने बनारस के हर साल के मीटिंग में मेरे को रखा और आगे बढ़ने की बहुत हिम्मत दी। बड़ी दीदी बनारस सुरेंद्र दीदी, जो कि आपके जीवन से मैंने बहुत ममता, प्यार, स्नेह बहुत पाई। उन्होंने माँ की पालना इतना दिया कि मैंने लौकिक को बिल्कुल भूल गई, किसी की स्मृति नहीं आई, दुनिया को मैंने भूला। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आंखों में छाया है, सदा ये आंखों में छाया है। दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। और साथ साथ मधुबन में जब बाबा से मैं पहली बार मिली थी, तो बाबा ने मुझे वरदान दिया था कि तुम सफलता मूर्त आत्मा हो, जहाँ भी तुम कदम रखोगी तुम्हें सफलता परछाई की तरह मिलती रहेगी। और जहाँ बाबा तुम्हारे साथ है, तो वहाँ हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। बाबा ने ये वरदान मुझे पहला वरदान दिया था, बच्ची तुम्हारे साथ में बाबा है, और जहाँ कदम रखोगी वहाँ तुम्हें सफलता मिलेगी। सच में मैंने आज तक जहाँ भी कदम रखा, वहाँ हर कदम में सफलता की अनुभूति हुई। ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा। कि बाबा ने कितने मेरे को बचपन में मेरे भविष्य को देखते हुए बाबा ने ये शब्द बोला, ये महावाक्य उच्चारण किए, जो कि आज तक मैंने जहाँ भी कदम रखा वहाँ सफलता मिलती रही। और दूसरी बार बाबा से जब मैं मिलने गई थी, उस समय भी बाबा ने दूसरी बार भी कहा कि ये बच्ची बहुत समझदार है और चतुर है, ये चतुर टीचर है। हमारे सारे भाई बहनों को हॉल में बाबा ने कहा था, आपकी टीचर कहाँ है, तो सभी भाई बहनें खड़े होकर के बोले, हमारी टीचर दादी के सामने बैठी हैं। बाबा ने कहा, आपकी टीचर बहुत चतुर है। तो सचमुच बाबा ने हमें इतना चातरक बनाया, और जैसे बाबा ने कहा उस तरह से कार्य करने की मेरे को बहुत हिम्मत भी आई, उमंग भी बढ़ता गया, और मैं आगे बढ़ती रही, सेवा में सफलता भी मिलती रही। आज तक नेपालगंज सेवा केंद्र एवं विभिन्न स्थानों पर जहाँ रह करके मैंने सेवाएं दी, वहाँ पर बड़े बड़े सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार
और विभिन्न वर्गीकरण सेवा भी यहाँ चलती रही, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कार्यक्रम भी होता रहा। और साथ साथ आज बहनों के सम्मान स्वरूप बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चों के द्वारा ही बाबा प्रत्यक्ष होगा। आप पीस ऑफ माइंड चैनल के माध्यम से आज बहनों का ये अनुभव और बहनों के त्याग और तपस्या, सेवा की भूमि पर विविध प्रकार की कठिनाई समस्याओं को झेलते हुए आगे बढ़ने का ये अनुभव रखने का अवसर दिया और ये सम्मान स्वरूप बहनों का ये रखा। आज बाबा के घर से भी सब माइंड चैनल के प्रति भी मैं आभारी हूँ। जैसे इनका नाम है वैसा ही उनका गुण है। दुर्गा अर्थात दुर्गुण को हटाने वाले, असुर को संहार करने वाले, ऐसे ही बाबा ने जो हमें नियम और मर्यादा बना करके दिया है उसमें बहुत पक्की रही। मर्यादा में कभी किसी से समझौता नहीं की, वैसे ही हम बहनों को भी बहुत मर्यादित होकर के चलना सिखाती हैं और सभी को दीदी जी समान रूप से पालना दे करके कोई भी बातें हमें सिखानी होती है तो दीदी जी पहले कहने से पहले खुद करती है। चाहे तो वो सूक्ष्म सेवा हो चाहे स्थूल सेवा भी क्यों ना हो, फिर भी दीदी जी अपने हाथ से करके बहनों को सिखाती थी। दीदी जी ने हमेशा खुद करके लव और लव का बैलेंस रखते हुए हम सबको आगे बढ़ा रही है। दीदी के समीपता में जो भी आते हैं उनकी सब संकल्प मनोकामना पूरा हो जाता है। और दीदी शीतलता की प्रतिमूर्ति भी हैं। कितने दिमाग में उधेड़ बुन रहता है, मन में दुख और अशांति रहती है, अशांति से जला हुआ हृदय लेकर हम जब दीदी के पास आते हैं तो दीदी की छत्र छाया में हमें शीतलता महसूस होती है। दीदी ने इस सोसाइटी में, इस समाज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हरेक को प्रेरणा की स्रोत, दीदी प्रेरणा के स्रोत हैं। इस क्षेत्र को ही उन्होंने सामाजिक सद्भाव के साथ और आध्यात्मिक भावना के साथ इस क्षेत्र को नेतृत्व दिए हैं। वास्तव में दुर्गा दीदी दिव्य है, एकदम निष्ठावान है, कार्य करने की क्षमता है और दुर्गा दीदी का मैं तहे दिल से, हृदय से दुर्गा दीदी को सम्मान करता हूँ। मैं क्या पूरा जिला दुर्गा दीदी को सम्मान करता है।